तो जमशेदपुर के साक्षी में भाजपा के संसदीय चुनाव कार्यालय का प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने उद्घाटन किया। इस मौके पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मिशन 2024 की तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं भाजपा को लोकसभा चुनाव में सभी सीटें जीतनी है। उन्होंने कहा कि जामुगो सरकार पर भी निशाना साधा। देखिए आप लोकसभा चुनाव की तैयारी में हम सब लोग लगे और आज यहाँ कार्यालय उद्घाटन समारोह था। अभी चाईबासा जा रहे हैं, वहाँ भी सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र की कार्यालय का उद्घाटन है और एकाध लोकसभा छूटेगा तो छूटेगा, नहीं तो झारखंड के सभी लोकसभा क्षेत्रों में कार्यालय का उद्घाटन। अभी तक क्या स्थिति लग रहा है झारखंड में? बिल्कुल अच्छा है झारखंड में। मैं कह सकता हूँ कि झारखंड की जनता और झारखंड ही नहीं बल्कि अब तो देश की जनता इंतजार कर रही है चुनाव के। और पिछले दफ़े झारखंड में एनडीए गठबंधन के पास 12 सीटें थी, 2 सीटें बाकी रह गया था। इस बार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 14 के 14 सीटें बीजेपी के खाते में जाए, मोदी जी के लिए। ये टिकटों के बंटवारे पर आज के साथ गठबंधन का बात नहीं? नहीं, हमारे साथ गठबंधन तो है ही, लोकसभा में नहीं। नहीं, लोकसभा में तो मैं कह रहा हूँ गठबंधन है। एक तो आज ही हमारे पास, उन्हीं के पास एक सीट और बढ़ेगा। वो सब केंद्र मुख्यमंत्री जी पार्ट टू का सपना दिखा रहे हैं। अरे मैंने बार बार कहा कि कौन सा पार्ट टू कर रहे हैं, अगर ये दलाल बिचौलिया और भ्रष्ट अफसरों को नहीं हटाते हैं जैसे हेमंत सोरेन वही लोग चला रहे थे, अगर वही पार्ट टू है तो मैं चंपई सोरेन जी को सावधान कर देना चाहता हूँ।